मध्य प्रदेश के भिंड में दूल्हा बारात लेकर मंडप में पहुंच गया, लेकिन दुल्हन नहीं पहुंची। बिचौले ने शादी के बदले 5 लाख रुपए भी लिए थे। वहीं जब दोनों मंडप में नहीं पहुंचे तब उसे ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद दूल्हे ने थाने में केस दर्ज करवाया है। मामला दबोह क्षेत्र का है। लहार क्षेत्र के नानपुरा गाँव में रहने वाले 32 साल के सतीश पुत्र श्रीराम बिरथरे किसान है। परिवार वाले सतीश के लिए रिश्ता देख रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात बावली नदी गांव उत्तर प्रदेश में रहने वाले सालीग्राम दुबे से हुई। सालीग्राम ने उसे शादी करवाने की बात कही, जहां उसके परिजनों को टीकमगढ़ जिले के पलेवा गांव लेकर गए। यहां शादी के लिए लड़की दिखाई, शादी की बात भी पक्की हुई, सगाई की रस्में पूरी की गई। सालीग्राम ने रिश्ता करवाने के लिए 5 लाख रुपए लिए थे। वहीं शादी की तारीख 2 मई को तय की गई। लड़की के परिवार वालों को शादी के लिए दबोह क्षेत्र का सिद्ध स्थल रे कोला माता मंदिर पर आना था। शादी के लिए लड़के वालों ने इंतजाम किया, यहाँ खाने पीने से लेकर ठहरने तक की व्यवस्था की गई थी। दुल्हन लाने के लिए सतीश बारात लेकर 2 मई को दबोह पहुंचा। दिन भर इंतजार करता रहा। कई बार फोन लगाने के बाद भी सालीग्राम और पप्पू तिवारी थोड़ी देर में आने की बात करते रहे। रात 2 बजे के बाद फोन रिसीव करना भी बंद कर दिया। इसके बाद दूल्हा और बाराती वापस लौट आए, जिसके बाद मुकेश को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद मुकेश थाने पहुंचा तो दबोह पुलिस ने शिकायत दर्ज किए बिना ही उसे लौटा दिया। वहीं राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है। मैं यहाँ से बारात लेके गया तो वहाँ पर कोई दुल्हन कोई मिली नहीं। उसी दिन से इनने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, इनका ना पता।